भाजपा ने सरकार पर तानाशाही पूर्ण तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया है। सोलन से भाजपा नेता एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राजेश कश्यप ने कहा है कि सरकार पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने में लगी है, जिससे जनता में हताशा है। वजगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष पद की नियुक्ति भी नियमों के विपरीत की गई है। यह बात भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक जो कि सोलन की एक अनबान शान है, उसको आगे ले जाने में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। नई सरकार अभी कांग्रेस की आई है, अभी लगभग 3 महीने उन्हें हुए हैं, जहां एक और इन्होंने और किए हैं, बहुत सारे संस्थान बंद हुए, लेकिन वहीं जो संस्थान इस्टेब्लिश संस्थान थे, इस बैंक में सारे के सारे जो है 5 के 5। बात करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और आए ऑफिशियली। हम लोग इंदिरा बैंक की तरफ से, शायद मैं आपसे पहली बार मुलाकात आप सब लोगों ने, लेकिन इस 2.5 साल के दौरान आप लोगों का काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जोगिंद्रा बैंक में कार्य करने का मौका दिया करता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद पे मेरा नाम रिकमेंड किया करता हूँ कि उनका कर्मचारियों को दिए। उन्होंने कांग्रेस की सरकार ने जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन है आदरणीय श्री योगेंद्र भरतिया जी, उनको हटाने की उनको हटाया है। और ये नाटकीय तरीका इसलिए है कि जिस तरह से जो नॉमिनेशन हुई है, वो नॉमिनेशन ना तो जिला सोलन से है और ना ही एज़ पर दी रूल है। ARCS ने जो नॉमिनेशन की है, वो जो महिलाओं की हो सकती थी, SCs की हो सकती थी, ST की, या कोई भी जो जिनकी ज़रूरत जो एक कैटेगरी है उसमें से होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। और दूसरा जो एक नॉमिन एक जो इलेक्टेड डायरेक्टर होता हुआ करता था, वही जो है चेयरमैन बनता था, और वो चेयरमैन नहीं बना है, लेकिन सरकार ने अपने ही तौर पे जो है इसका इलेक्शन जो है या नॉमिनेशन की है, चेयरमैन की भी नॉमिनेशन की है, जो कि एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये एक राजनीतिक तौर पे जो ये सारा कार्य हुआ है, इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। कांग्रेस की सरकार जहां जो है संस्थानों को बंद कर रही है, वहीं संस्थानों को जो है उसकी गाइडलाइन को ना मानते हुए, गाइडलाइंस का जो है पूरी तरह से उसको नकार के वहाँ पे चेयरमैन लगाए जा रहे हैं, ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कल नाटक हुआ है, इस तरह का नाटक जो है आगे से नहीं दोहराना चाहिए। केस चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।